लंबी बीमारी के दौरान कई बार मौत को मात देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आखिरकार काल के कपाल पर लिखने मिटाने का सिलसिला हमेशा के लिए खत्म कर दिया। 16 अगस्त को अटल जी के निधन की खबर पूरे देश में फैलने के बाद गमगीन माहौल सा बन गया। लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि तो दी ही, साथ ही ज्यादातर सोशल मीडिया पर उनके साथ बिताए गए पलों को भी साझा किया। सोशल मीडिया से ली हुई तस्वीरें अब हम आपको बताते हैं, जो कि अटल जी के रिश्ते को मध्य प्रदेश के साथ जोड़ती है। कहीं लोग चुनाव प्रचार की तैयारी करते दिख रहे हैं, कहीं उनका स्वागत हो रहा है, कहीं वे लोगों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो कहीं बेटी उनको श्रीफल देते दिख रही है। अटल जी का नाता मध्य प्रदेश के विदिशा से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह वही विदिशा है जिसने अटल बिहारी वाजपेयी को अपना सांसद चुना था। यह तस्वीर विदिशा की है, जहां सन 1991 में लोकसभा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल करते अटल बिहारी वाजपेयी दिख रहे हैं। अटल जी ने चुनाव जीतने के बाद विदिशा आकर वर्तमान के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हाथों में विदिशा की कमान सौंपी थी। ऐसे और कई पल लोगों ने साझा किए, जिनके देखते ही पता लग सकता है कि अटल जी लोगों से कितने मिलजुल कर रहते थे। फोटो पोस्ट करने वाले व्यक्ति के अनुसार यह तस्वीर विदिशा जिले के सिरोंज की है। अटल जी को आप वर्तमान के कांग्रेस से सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिलते हुए देख रहे हैं। यह फोटो नसरुल्लागंज का बताया जा रहा है, जहां एक आम सभा को अटल बिहारी वाजपेयी संबोधित कर रहे हैं। लोकसभा में अपने पहले भाषण के बाद ही तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने उनमें भावी प्रधानमंत्री की छवि देखी थी, जिसके बाद प्रधानमंत्री बनकर उन्होंने जवाहरलाल नेहरू की भविष्यवाणी को सच किया था। आज भले ही सशरीर अटल जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन विचार रूप में उन्हें विदा कर पाना असंभव है।